दिल्ली शहर में जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर मुस्लिम बांधवों द्वारा एक शानदार जुलूस निकाला गया और इस मौके पर शहर में जगह जगह पर मिठाई तथा खीरपूरी तथा भोजन का स्टॉल लगाया गया था। मुस्लिम समाज बांधवों ने सुबह गरीब नवाज मस्जिद, भोजवाड, मदीना मस्जिद आदि जगहों पर जाकर नमाज अदा की और पूरे देश की जनता के लिए अमन शांति की दुआ मांगी। मदीना मस्जिद तथा गरीब नवाज मस्जिद से जुलूस का प्रारंभ हुआ। इस मौके पर कव्वाली, डीजे पर बजने वाले धार्मिक गीत तथा युवक हाथों में लेकर ध्वज दिखाई दे रहे थे। साथ ही पारंपरिक वेशभूषा सहभाग किए हुए बड़ी संख्या में समाज बांधवों की मौजूदगी थी। यह रैली भंगाराम वार्ड, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चौक से चंडिका वार्ड से पंचिल चौक से मार्केट डोलारा चौक आदि जगहों पर होकर गुजरी और इन स्थानों पर अल्पोपहार तथा खीर का वितरण कमेटी की ओर से किया गया। इस मौके पर थानेदार विपिन इंगड़े का शाल और शिफल देकर उनका सत्कार किया गया और यह रैली मेन रोड से जामा मस्जिद, महबूब सुबानी दरगाह के पास स्थित सूफी ग्रुप की ओर से अन्नदान तथा जगह जगह पर फल तथा शरबत का वितरण किया गया। वहीं इस दौरान सिटी न्यूज़ के विशेष प्रतिनिधि जावेद शेख ने मौलाना से बातचीत की। हम देख सकते हैं कि आज जश्न ईद मिलादुन्नबी पूरे भारतवर्ष से पूरे इंडिया में मनाया जा रहा है और आज भगवती के अंदर में जुलूस मोहम्मदिया ख्वाजा गरीब नमाज कमेटी की ओर से जुलूस निकाला जा रहा है और हमारे साथ हाफिज मुजम्मिल साहब हैं जो कि जश्न ईद मिलादुन मौके पर कुछ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ जानकारी देंगे, तो आइए हम इनसे कुछ जानकारी लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलातो वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलातो वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह, सलातो वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला अलिका व असहाबिका सय्यदी या रसूलल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि कफा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफा, अम्मा बाद, फऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन, हमारे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, जहाँ तक ये मेरा पैगाम जा रहा है, मैं उन तमाम मुअज़्ज़ज़ सामईन को इस प्रोग्राम के तहत, इस महफिल के तहत एक पैगाम देना चाहूँगा। बल्कि रब्बे ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, ए महबूब, हमने आपको तमाम जहान के लिए रहमत बना करके भेजा। इस कुरान मजीद के इस आयत मुकद्दसा से अगर हम कुछ समझना चाहते हैं या कुछ लेना चाहते हैं तो इस बात को लेना चाहिए कि इसमें एक ख़ास तबके के लिए सिर्फ जिक्र नहीं आया, बल्कि अल्लाह ने तमाम आलमीन को इस आयत मुकद्दसा में यानी ये याद दिलाया कि ए महबूब, हमने तमाम आलमीन के लिए आपको रहमत बना के भेजा। तो यहाँ से एक बात वाज़ह हो जाती है कि आज जैसा कि हम लोग जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जैसे यहाँ जमा हुए हैं और इस प्रोग्राम को हम लोग हमेशा की तरह आज भी मनाना चाह रहे हैं, इंशाल्लाह मनाएंगे, और इस पैगाम के यानी अल्लाह तबारक व तआला के इस पैगाम के तहत मैं तमाम सामईन को, तमाम जुलूस मुहम्मदी में शामिल होने वाले को एक पैगाम दूंगा कि जो भी लोग इसमें शामिल होते हैं तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस प्रोग्राम के तहत और इस मैसेज के तहत इसमें शामिल हो सकते हैं। और क्यों ना शामिल हो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम आलमीन को इस आयत में याद कर लिया और अपने महबूब को दे दिया आलमीन को कि मैंने यानी अपने रसूल को, अपने महबूब को तमाम आलमीन के लोगों के लिए एक पैगाम है और इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा आम किया जाए, जुलूस मुहम्मदी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेर हो करके इस पैगाम के तहत आ जाए और एक झंडे के तहत आ जाए और ज़माने वाले को एक पैगाम दे कि जैसे हमारे रसूल ने अमन और शांति का झंडा लहराया था और उनके मानने वाले आज भी लहरा रहे हैं और उनके झंडे के साए में जो भी आएंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों में शुमार किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनाने वालों के लिए रहमत नाजिल फरमाए और अल्लाह रहमत नाजिल भी फरमाता है। इस पैगाम के तहत हम तमाम भद्रवती को नहीं बल्कि तमाम दिगर जो हमारे भाई हैं, मानने वाले हैं, दोस्त अहबाब हैं, उनको भी हम ये खबर देना चाहेंगे कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा जुलूस मुहम्मदी में शामिल हो जाए और एक दूसरे को खुशी बांटे। अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे, मौला हम तमामीन की हाज़िरी को और जुलूस मुहम्मदी में शामिल होने को कबूल अता फरमाए और हमारे गरीब नवाज कमेटी को,
आबाद फरमाए, जिंदाबाद फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। तो ये थे हमारे साथ में गरीब नवाज कमेटी के हाफिज साहब, सिटी यूनियन भद्रक से जावेद की रिपोर्ट। इस मौके पर थानेदार विपिन इंगड़े, नगर अध्यक्ष अनिल धानोरकर, कांग्रेस शहर अध्यक्ष सूरज गांडे, चंदू कारकर, नगर सेवक आदि ने मुस्लिम बांधवों को ईद मिलाद की शुभकामना दी। इस मौके पर भद्रावती में बड़े पैमाने पर हिंदू मुस्लिम बांधव भी एक साथ मौजूद थे, जो आपसी भाईचारा प्रेम एकता का संदेश दिखाई दे रहा था। यंग मुस्लिम कमेटी के सदस्य तथा अन्य लोगों ने इस कार्यक्रम के लिए काफी परिश्रम लिया। इस दौरान पुलिस का कड़ा बंदोबस्त था। प्रस्तुत है इस जुलूस की कुछ आकर्षक झलकियां सीटीवी की नज़र से। सीटीवी के लिए हमारे प्रतिनिधि जावेद की रिपोर्ट।